हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमा की संस्कृति। आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा विंटर स्पेशल पिकल गाजर मूली की अचार। अचार बनाने के लिए सबसे जरूरी है अचारी मसाला बनाना। चलिए मेरे साथ बनाइए। यहाँ पे हम 2 बड़े गाजर, 2 बड़े मूली, 10 से 12 हरी मिर्च लेंगे। यहाँ पे हम मूली और गाजर को स्लाइस कर लेंगे, जैसे हम फिंगर चिप्स के लिए आलू काटते हैं, सेम उसी तरह इसको स्लाइस कर लेंगे। इसी तरह लंबे लंबे स्लाइस कर लेंगे सारे मूलियों को, गाजर को भी हम मूली की तरह सेम प्रोसेस में स्लाइस कर लेंगे। गाजर की बीच की हिस्से को हम निकाल देंगे क्योंकि ये कड़वा होते हैं तो अचार का स्वाद खराब हो सकता है। सारे मिर्ची को हम बीच में से बारी बारी चीरा लगा लेंगे। सेम तरीके से हम अदरक को भी स्लाइस कर लेंगे पतले पतले करके। सारी चीजें आप कट के तैयार है। अब हम अचार की प्रोसेस शुरू करते हैं। सारे सामग्री को हम एक बाउल में डाल लेंगे। इसमें हम 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। हम इसको ढक के रात भर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर नमक अच्छी तरह मिल जाए और सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसमें से पानी अलग हो गया। अब इसको हम छान लेंगे। अब हम होम में अचार का मसाला बना लेंगे। 2 चम्मच पीले सरसों लेंगे, 2 चम्मच काले सरसों लेंगे, 15 से 20 काली मिर्च लेंगे, 2 चम्मच जीरा लेंगे। उसको अच्छी तरह धीमी आंच पे भून लेंगे। अच्छी तरह भूनने के बाद 1 से 2 चम्मच अजवाइन लेंगे। उसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। सारी चीजें भून जाने के बाद 2 चम्मच मेथी लेंगे। उसको थोड़ी देर भून के गैस बंद कर देंगे। मसाले को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे होने के बाद इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमारी मसाला तैयार है। अब सारी सामग्री को बाउल में डाल लेंगे। दो चम्मच नमक लेंगे, 1 चम्मच हल्दी लेंगे, 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे और जो हमने होममेड मसाला बनाया उसका आधा हिस्सा हम डाल के अच्छी तरह चला लेंगे। मसाला अच्छी तरह मिलाने के बाद बाकी मसाला डालेंगे।
चम्मच विनेगर डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम तेल गरम कर लेंगे 6 से 7 चम्मच। तेल अच्छी तरह गरम हो जाने के बाद 1 चम्मच हींग डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह गरम कर लेंगे। इसमें हम 2 पीस लहसुन चॉप करके डाल देंगे, डाल के गैस बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो जाने के बाद तेल को थोड़ा थोड़ा करके अचार में डालेंगे और अचार को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब अचार को जार में भर देंगे, भर के 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 दिन के बाद यह अचार तैयार हो जाएगा। आप ये अचार 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ऐसे ही रेसिपीज को देखने के लिए मेरी चैनल सोमा की संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।